नमस्कार, मैं पिंटू कुमार, आप देख रहे हैं पिंटू दैनिक न्यूज 21। तो आज हम बात करने चलते हैं शिक्षा के ऊपर कि आज शिक्षा की स्थिति क्या है। शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय है हमारे बिहार में कि आप सरकारी स्कूल में सिर्फ डिग्री के लिए जा सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो ट्यूशन पकड़ना होगा, होम ट्यूशन पकड़िए या कहीं जाकर ट्यूशन उसी मास्टर साहब से जो मास्टर साहब सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वही मास्टर साहब आपको होम ट्यूशन देंगे, आपको घर पे आके पढ़ाएंगे। अब समझ सकते हैं कि उनको 40,000 तनख्वाह चाहिए, लेकिन 40,000 से टाइम पर नहीं जा सकते। अगर 9 बजे टाइम है तो 9 बजे नहीं जा सकते हैं। वो समझते हैं कि हम बिना काम के जा रहे हैं, हमको फ्री में जाना है। इस तरह वो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी ऐसा करते हैं कि जैसे फ्री में काम करना पड़ता है। 40,000-30,000 तनख्वाह लेने के बाद भी वो सही ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको खुश नहीं कर पाती है सरकार। सरकार खुश नहीं करती है इसलिए कि सरकार टाइट नहीं करती है। सरकार को टाइट करनी चाहिए कि बच्चे सुधरने चाहिए, तब आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ क्या है, सैलरी 30,000 से 40,000 पर भी लोग को मंजूरी नहीं है। हम 30,000 से 40,000 पर खुश नहीं है सरकारी मास्टर लोग का, हमको अनुभव लगता है। और वही जाइए प्राइवेट स्कूल में, जो 1,200-1,000 रुपये से लेके जितना भी ऊपर महीना दिया जाता है, ऊपर 1,000 रुपया क्यों नहीं दिया जाए, लेकिन वो हेड मास्टर का प्रेशर रहता है कि आपको इतना काम करके देना है। बच्चा को ऐसा होमवर्क क्यों मिला, क्यों छूट गया बच्चा, ये बच्चा क्यों नहीं सुधर रहा है, आपका सैलरी काटा जाएगा। अगर प्राइवेट स्कूल में मात्र अगर आपको 5 मिनट लेट हो जाती है तो आपका घंटा काट दिया जाएगा, हाफ डे आपको मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट अगर लेट जाते हैं तो आप हाफ डे के ही मालिक हैं, फुल डे का आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप फैक्ट्री हो या स्कूल हो, तो हम फैक्ट्री पर क्यों जाए, क्योंकि यहाँ टीचर पर बात चल रही है। तो टीचर अगर वहाँ पर 10 मिनट लेट जाती है तो आपका हाफ डे का ही आपको सैलरी मिलेगी उस दिन के, क्योंकि आप लेट आए। लेकिन प्राइवेट स्कूल का इतनी टाइट है, बच्चा सुधारना है, बच्चा को सही से देखना है, नहीं सुधर रहा है क्यों नहीं सुधर, आप क्या पढ़ाते हैं, पर डे होमवर्क क्या देते हैं, इसकी जांच होती है। लेकिन सरकारी स्कूल में हेड मास्टर से लेकर जो भी मास्टर है, सभी लोग का स्थिति यही है, रोना है कि सरकार सैलरी टाइम पर नहीं देती है। पहला नंबर आपको सरकार से आग्रह है कि सारे सरकारी टीचर को टाइम से पेमेंट दे और टाइम से काम ले। अब सैलरी तो मिल ही जाती है, आगे पीछे करके सैलरी तो मिलती है, लेकिन देखते क्या है, मास्टर साहब जाएंगे 10 बजे हाफुर ढूंढ के स्कूल पहुंचेंगे, लेट हो रहा है, बस इतना ही लोग देखते हैं कि 10 बजते है तो लोग हड़बड़ी में रहता है कि कितना जल्दी, टाइम है 9 बजे और 10 बजे हड़बड़ा रहेंगे रास्ता में। लड़का भला है, लड़का कयो बजे जाए, मास्टर साहब कयो बजे जाए, पढ़े नहीं पढ़े, सर्टिफिकेट मिल रहा है। बस यही तो सरकारी स्कूल का रूल नियम है कि आपको खिचड़ी खिलाना है, सर्टिफिकेट देना है। आप कैसे पढ़िए नहीं पढ़िए, तेज होइए नहीं होइए, क्योंकि सरकारी मास्टर साहब लोग का बच्चा कहाँ जाता है, प्राइवेट में। और जो भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल से टॉप करते हैं, अच्छे करते हैं, बिना ट्यूशन के नहीं, उसी मास्टर साहब से ट्यूशन पढ़ेंगे और बिहार में टॉप करेंगे। तो मेरे व्यूअर लोग, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें क्या, किस चीज़ पर हम कुछ बोले या बताएं। तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अंतर ये देख लिए कि सरकारी स्कूल के टीचर खुश रहते हैं, जितना मिलता है उसी में खुश रहते हैं और टाइम से जाएंगे, टाइम से आएंगे। प्राइवेट स्कूल के मास्टर देख सकते हैं और सरकारी आप खुद देख रहे हैं, इसमें आप तय कर सकते हैं कि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं है। किस पर ध्यान है, दारू पर, सिर्फ दारू, शिक्षा पर नहीं, शिक्षा पर ध्यान होना चाहिए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर राय दीजिए इस पर। नमस्कार।